राजस्थान में राजसमंद के नथद्वार में तोड़ी गई महात्मा गांधी की प्रतिमा। सीबीएसई के कक्षा 10वीं और 12वीं पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के निर्देश देने से किया इनकार। भारत बंद के दौरान मध्य प्रदेश हिंसा में अब तक 7 लोगों की मौत। मुरैना, ग्वालियर और भिंड में कर्फ्यू, इंटरनेट ट्रेन सेवा प्रभावित। कैग ने जताई दिल्ली में राशन वितरण में घोटाले की आशंका। सीएम केजरीवाल ने कहा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। श्रीनगर और कश्मीर घाटी में संवेदनशील जगहों पर शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने किए सुरक्षा बल तैनात। ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में 21वें राष्ट्रमंडल खेलों का आज 2:30 बजे होगा उद्घाटन। समय चर्चा में है। संयुक्त राष्ट्र ने जारी की अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों की लिस्ट। हाफिज सईद समेत 139 पाकिस्तानी शामिल। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से मिले चंद्रबाबू नायडू। गैर बीजेपी मोर्चा बनाने के लिए कयास तेज। वाराणसी एयरपोर्ट पर हड़ताल पर गए इंडिगो एयरलाइंस के 56 स्टाफ। नसीम अकदम के रूप में हुई यूट्यूब दफ्तर में गोलीबारी करने वाली महिला की पहचान। खुद को भी मार ली थी गोली, 4 लोग हुए थे घायल।